बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने क्यूरीज के थ्रू कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम क्यूरीज के थ्रू डेटा को या रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना और साथ के साथ अगर हमारे टेबल के अंदर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, एक जैसे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो उनको रिट्रीव करना सीखेंगे। टुडे स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने एक एम्प्लॉय का टेबल मौजूद है और यहाँ आप गौर करें तो कुछ रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट है। जैसे कि ये रिकॉर्ड जो है सना के नाम से, ये डुप्लीकेट है। ये यहाँ पर इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल वगैरह डुप्लीकेट है। इसी तरीके से ये जो रिकॉर्ड्स आपको नजर आ रहा है, फोर्थ वन एंड एट वन, ये भी डुप्लीकेट है। तो दोस्तों, अब अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स को, तो उसके लिए आप इस क्रिएट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप क्यूरी विजिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी क्यूरीज के इस बार के अंदर इस क्यूरी विजिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी न्यू क्यूरी के नाम से, और यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन मौजूद होंगे, सिंपल क्यूरी विजिट, क्रॉस टैब क्यूरी विजिट, फाइंड डुप्लीकेट्स क्यूरी विजिट। तो दोस्तों, आप इस फाइंड डुप्लीकेट्स क्यूरी विजिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपसे पूछना चाह रहा है कि विच टेबल और क्यूरी डू यू वॉन्ट टू सर्च फॉर डुप्लीकेट फील्ड वैल्यूज, यानी आप कौन से टेबल में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिट्रीव करवाना चाहते हैं, सर्च करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इस एम्प्लॉय के टेबल में से करना चाहते हैं, तो आप इस एम्प्लॉय के टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, अब ये पूछ रहा है विच फील्ड माइट कंटेन डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन, यानी इस एम्प्लॉय के टेबल में इन तमाम फील्ड में से कौन सी फील्ड जो है आपको लगता है कि उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एम्प्लॉय आईडी तो तमाम यूनिक है, लेकिन फर्स्ट नेम जो है ये डुप्लीकेट है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप नेक्स्ट पर जाएंगे और नेक्स्ट पर जाने के बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट द क्यूरी टू शो फील्ड्स इन एडिशन टू दोस विद डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की कौन कौन सी फील्ड्स की वैल्यूज को देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं उसकी एम्प्लॉय आईडी को भी देखना चाहती हूँ, लास्ट नेम को भी देखना चाहती हूँ, जॉब टाइटल को भी देखना चाहती हूँ, एड्रेस को भी देखना चाहती हूँ और सिटी को भी देखना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अभी पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू नेम योर क्यूरी, यानी आप अपनी क्यूरी को क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगी नाम डुप्लीकेट्स फॉर एम्प्लॉय का, और इसके बाद आप इसको फिनिश कर देंगे। तो जैसे आप फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय के टेबल में जो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे, यानी जिनके फर्स्ट नेम डुप्लीकेट थे, उनका डाटा जो है वो आपको यहाँ पर शो हो गया है, रिट्रीव हो गया है उनका डाटा। इस तरह से दोस्तों, ये डुप्लीकेट की क्यूरी काम करती है। यहाँ पर दोस्तों, हमने ये भी सीखा कि आप क्यूरी डिजाइन के अलावा क्यूरी विजिट के थ्रू भी किस तरह से आप क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम टेबल के अंदर क्यूरीज के थ्रू डेटा को सॉर्ट करना, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करना सीखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने टेबल्स के अंदर तो डाटा को सॉर्ट करना सीख लिया था, लेकिन क्यूरीज के थ्रू हम डाटा को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस क्यूरी को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर इस सैलरी के जो फील्ड है, इसके रिकॉर्ड को हम सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्यूरी डिजाइन पर जाएंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आप जिन भी फील्ड्स के डाटा को, आप उन फील्ड्स को ऐड करवाएंगे, यानी यहाँ लास्ट नेम, जॉब टाइटल और सैलरी को ऐड करवा देंगे। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर ये जो सॉर्ट का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस क्वेरी को रन कर देंगे। अब आप गौर करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले 40,000 है, देन 45,000, उसके बाद 10,000। लेकिन जो हमारी सॉर्टेड जो टेबल है, सॉर्टेड क्यूरी है, उसके अंदर ये असेंडिंग वे में रिकॉर्ड जो है वो सॉर्ट हुए हुए हैं। जिसकी सैलरी सबसे कम है उसका रिकॉर्ड सबसे टॉप पर है, उसके बाद उससे कम सैलरी वाले का, उससे ज्यादा सैलरी वाले का, और इस तरह से जब तक के हाईएस्ट सैलरी जो है वो इनकाउंटर नहीं हो जाती, तब तक के रिकॉर्ड सॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप क्यूरीज के थ्रू डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं टेबल के अंदर, और साथ के साथ आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी रिट्रीव करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में
हम एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे, चैप्टर नंबर 16 का, जिसके थ्रू हम एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हमने टेबल्स और क्वेरीज पर काम करना सीखा था। अगले चैप्टर में हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करना और उन पर काम करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।